डिस्क्लेमर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मित्रों, 2 महीने के बाद वापस आने के लिए दिल से बुरा लगता है भाई। अरे ये नहीं, खेद है। आशा करता हूँ आगे से हम आपसे रेगुलर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो उस दिन सुबह सुबह तैयार होके रूम को अलविदा कह के और ताला लगा के मैं निकलता हूँ कटक के रेलवे स्टेशन के तरफ। लेकिन रेलवे स्टेशन के रास्ते पे मुझे ये केनाल दिखता है जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना है। तो आगे जाके मैं पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में मैं ट्रेन का इंतजार करता हूँ। तो अभी मैं कटक स्टेशन में आ गया हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। अभी वक्त हुआ है 7:25 और ट्रेन आने वाला है 7:55 को, तो तब तक मुझे वेट करना होगा। और आज मैं सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसीलिए पूरा पीछे जाके बैठना है। तब तक मैं वहाँ पर थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर ट्रेन आने के बाद, अनाउंस होने के बाद पीछे चलेंगे। तो अभी आपके सामने जो ट्रेन भाग रहा है ये आ गया है दुर्ग से और जाने वाला है पुरी। इसमें मैं जब कटक आता हूँ तो इसी ट्रेन में आता हूँ, तो ये ट्रेन अभी आके पहुँचा है। तो दोस्तों मैं जिस ट्रेन में जाने वाला हूँ उस ट्रेन का नंबर है 02880, जिसका नाम है मुंबई LTT एक्सप्रेस और ये चलता है भुवनेश्वर से मुंबई की तरफ। तो आज मैं उसी ट्रेन में बोर्डिंग करने वाला हूँ अनगुल तक। तो फाइनली ये ट्रेन आ गया है कटक के प्लेटफॉर्म 1 पे और ये ट्रेन आने वाला था 7:55 को, लेकिन आके पहुँचा है 8:15 को। फिर कोई नहीं, ट्रेन तो आ गया है। अब मैं यहाँ T2 में जाने वाला हूँ तो इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। T2 एक लोकल बोगी है तो इसीलिए यहाँ पर वेट करता हूँ और बैठ जाऊँगा। सो गाइज, अनगुल जाते वक्त इस ट्रेन का जो सेकेंड हॉल्ट आएगा वो आएगा ढेंकानाल। और अभी ये ट्रेन जिस ब्रिज के ऊपर जा रहा है, ये ब्रिज उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है और इसका जो एंटर कवर ऑफ डिस्टेंस है ये है 2 किलोमीटर लंबा। भाई साहब, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो उनको तो मेरा शक्ल दिखना चाहिए, तो ये है मेरा शक्ल, मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। और इस ट्रेन में मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रेन का स्पीड बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्टेशन जा रहा है जिसका नाम है मोंगुली चौधरी। यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगा नहीं, इसका अगला हॉल्ट जो है वो है ढेंकानाल स्टेशन। तो ढेंकानाल स्टेशन तक ये ट्रेन ऐसे ही चलता रहेगा नॉनस्टॉप। तो भाई लोग, इस ट्रेन में एक बहुत सुविधा वाला चीज़ ये है कि ऊपर जो आपका लगेज कैरियर होता है वहाँ पर गद्दा होता है, तो लोग भी यहाँ पर सो जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल होता है, तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं अपना फ़ोन वगैरह। तो सेकेंड क्लास में ये सब सुविधा पहले उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब है तो बहुत बढ़िया है। उसके थोड़ी देर बाद नज़र जाता है मेरे सामने वाले सीट पर, सारे के सारे लोग सो गए हैं, बस मैं ही अकेला उनको देख रहा हूँ। तो फाइनली मैं आके पहुंच जाता हूँ ढेंकानाल रेलवे स्टेशन में। ढेंकानाल रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हर दिन ट्रेन बोर्ड करते हैं। ये भुवनेश्वर से ट्रेन निकलने के बाद ये इसका तीसरा हॉल्ट है और यहाँ पर ये ट्रेन रुकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा आके बाहर बैठ गया हूँ। थोड़ा बाहर का हवा चाहिए, ट्रेन के अंदर बहुत समय में बैठ चुका हूँ। तो ये जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड है DKL। ओके, तो अब ट्रेन छूटने वाला है तो चलिए अंदर चलते हैं। सो फाइनली आई रीच दैट अनगुल रेलवे स्टेशन। तो गाइस, मेरा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, छोटा सा था लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर फॉर्न नीलन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।